सबसे पहले वीडियो को पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? मुझे आशा नहीं पूरी विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। यदि आपने BHU BFA के फॉर्म को अप्लाई कर दिया है तो इसमें तीन एग्ज़ाम होता है। पहला होता है थ्योरी का, दूसरा कंपोजिशन का और तीसरा वाटर लाइव होता है, जिसे लाइव करना होता है। फ्रेंड, हम कंपोजिशन में आपको स्टिल लाइव सिखाएंगे। स्टिल लाइव करने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, पहले हम उसे देख लें। कंपोजिशन करने से पहले हमें 8 लाइन की पेंसिलें लेने होगी, जिसमें 6 पेंसिलें होती हैं, SB, 2B, 4B, 6B, 8B और 10B, जो इस प्रकार है। देखिए, हमारी जो पहली पेंसिल है SB की पेंसिल है, दूसरी जो है हमारी 2B की पेंसिल है, 2B की पेंसिल, तीसरी जो कि 4B की पेंसिल है, और चौथी जो पेंसिल है हमारी 6B, और पांचवी जो है 10B, और छठी जो है, देखिए टोटल हमारी 6 पेंसिलें हैं। कंपोजिशन करने में इन सभी पेंसिलों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बाद हमें एक इस ब्लेड की आवश्यकता होती है, फिर एक कटर की आवश्यकता, एक शॉर्पनर की आवश्यकता है। इतनी सामग्रियों को आपको साथ में ले जाना होगा। कुछ स्टूडेंट के अंदर ये भाव उठता होगा कि ये BFA क्या होता है। BFA का तात्पर्य ये होता है, BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, ठीक है। BFA का तात्पर्य होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। चलिए हम स्टिल लाइव की ओर चलते हैं और कंपोजिशन किस प्रकार करते हैं उसको हम आपको सिखाएंगे। यदि आप BHU BFA में अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें, बीच में ना छोड़े। यदि आप बीच में छोड़ देते हैं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और स्टिल लाइफ में काफ़ी कम नंबर से आप पाएंगे, जिससे आप फेल होने की चांसेस बहुत है। इसलिए आप अच्छी तरह से वीडियो को देखें और सीखें कि स्टिल लाइफ कैसे होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने अधिक से अधिक मित्रों को सब्सक्राइब करें, जिससे उनका BFA का एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छी तरह से पास कर सकें।